आदाब, आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स में शादाब खान। पिछले कुछ सालों में भारत में क्रिश्चियंस के ऊपर होने वाले हमलों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी आई है, इजाफा हुआ है। इसी मुद्दे पर आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी जारी की गई है, जिसमें पिछले 10 महीनों में क्रिश्चियंस के ऊपर हुए हमलों की जानकारी दी गई है। साथ ही 3 अक्टूबर को रुड़की में एक चर्च के ऊपर जो हमला हुआ था उसकी भी इन डेप्थ जानकारी दी गई है। उस बारे में यहाँ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की गई है। 300 अटैक अगर एक साल के अंदर, साल पूरा नहीं हुआ अभी तो 9 महीने की रिपोर्ट है, तो 9-10 महीने के अंदर अगर 300 अटैक पूरे देश में हो रहे हैं तो ये एक कम्युनिटी पर बहुत वेल ऑर्केस्ट्रेटेड सुनियोजित हमला है। हम कह सकते हैं कि क्रिश्चियंस इन इंडिया आर अंडर अटैक, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग हियर। क्वार्टर टू 9 के अराउंड आई स्टार्टेड हियरिंग कि कुछ लोग गैदर हो रहे हैं, सो इमीडिएटली आई थिंक अराउंड 9:56 आई कॉल द पुलिस एंड आई एम लाइक हेलो हेलो हेलो। 8 सेकेंड्स वो कॉल लास्ट हुआ, उसके बाद मेरा फोन कट गया एंड मुझे एक क्राउड, चर्च फर्स्ट फ्लोर पे है, मैं खड़ी हुई थी। अब हॉल में शायद पूरा हॉल ऐसे ही था, वहां पे 10-12 लोग थे, देयर वर जस्ट 10-12 पीपल, मोस्ट ऑफ देम वर वुमेन। आई वॉज देयर, my mother was there who is 65 years old, my sister was there and a few other people. Now it was just the few of us and suddenly 9:50 ke around I started hearing slogans, kuch mujhe slogans ki awaaz aane lagi aur ek mob ki awaaz aane lagi, bahut hi zyada log the and suddenly 9:59 pe wo jab church ka service start hota hai they barged in through the door and uske baad half an hour to 40 minutes tak wo sirf ek rampage tha, but unhone उनके सर पे माइक्स मार मार के उनके चेस्ट पे मारा, ही वॉज अनकॉन्शियस, आई हैड टू जम्प इन टू प्रोटेक्ट हिम। उनकी वाइफ को बाल खींच कर ऐसे सीढ़ियों से नीचे ले गए, उनके हाथों में उनके बाल निकाल लिए, बिकॉज शी वॉज लाइक मेरे हस्बैंड को छोड़ दीजिए, उनको जान से मत मारिए। माई सिस्टर इज प्रेजेंट हियर, शी हैड एंटर्ड अ लिटिल लेट, वो क्राउड में फंस गई। उनको दो आदमियों ने ऐसे पकड़ा है एंड फिर एक आदमी ने आके उनको चेस्ट पे पंच किया है या पुश किया है एंड उसके बाद वो औरतें भी थी उस क्राउड में, वो 300 से भी पता नहीं कितना क्राउड था, आज तक नंबर भी हमें नहीं पता चला है, एंड उसमें औरतें भी थी एंड मोस्टली आदमी थे, और उन औरतों ने भी पकड़ पकड़ के मेरी बहन को मारा है, थप्पड़ ही थप्पड़ मारे हैं, एंड जिन भैया की वाइफ को है उनको भी उन्होंने इतना मारा है कि उनका पूरा एक साइड में नील है, ठीक है। उसके बाद एक लड़का था, उसको वो लोग गली में ड्रैग करके ले गए हैं, वो सैनिटाइजर दे रहा था, उसका उन्होंने कान काट दिया पहले, और उसके बाद यहाँ पे उसको रॉड मारा है एंड ही वॉज लिटरली प्यूकिंग इन द एयर, और वो पूरा खून में था, ही वॉज अनकॉन्शियस। मेरे को आवाज आई दिस बॉय इज डाइंग, सो आई रैन डाउन, आई वॉन्टेड टू टेक द कार एंड टेक हिम टू द हॉस्पिटल, आई वॉज क्राइंग, आई वॉज रनिंग ऑन द स्ट्रीट्स, देयर वर नेबर्स, आई एम लाइक हेल्प हेल्प, कुछ नो बडीज, एवरीबडीज इज स्टेयरिंग एंड आई एम रनिंग लाइक अ मैड वुमन ऑन द स्ट्रीट। उसके बाद मैंने कार उठाया एंड आई एम ट्राइंग टू मेक वे टू रीच दिस बॉय हु इज लाइंग अनकॉन्शियस ऑन द रोड, ही वाज इन ब्लड एंड वॉमिट, दे वर नॉट गिविंग मी द वे, दे स्टार्टेड ब्लॉकिंग द रोड, देयर वर ओल्डर एज्ड मेन, ऑल ऑफ दीस आर एजुकेटेड पीपल, आई वांट टू मेक अ पॉइंट, एंड वी नो अ लॉट ऑफ दीस पीपल बाय फेसेस एज वेल, दीस रिलीजियस फैनेटिक्स, दे बिलोंग टू आवर लोकेलिटी, दे हैव सीन अस ग्रोइंग अप। उसके बाद आई एम ट्राइंग टू मेक वे टू दिस बॉय, दे नॉट गिविंग मी द वे एंड आई एम लाइक अंकल प्लीज, वो मर जाएगा, एंड आई कुड लिटरली, दे वर होल्डिंग अब्यूजेस एट मी एंड दे वर लाफिंग, दे वर स्मोकिंग, दे वर लिटरल स्मोक्स ऑन देयर फेसेस। आई रीच दिस बॉय, समहाउ ही वाज टेकन टू द हॉस्पिटल एंड देन ही वाज एडमिटेड टू देहरादून। आफ्टर दैट वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड नो वी डिडंट गेट एनी हेल्प फ्रॉम द लॉयर्स, मैंने अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में वहां पे तहरीर दिया, एप्लीकेशन दिया एंड जो भी पुलिस ने सेक्शंस लगाए मुझको नहीं पता था, आई एम नॉट डन लॉ, उन्होंने लगा दिए। बट द मोस्ट आयरॉनिक पार्ट इज, हमें एक दिन बाद पता चलता है कि उस पार्टी से हमारे अगेंस्ट FIR हुआ है और सब नॉन बेलेबल सेक्शंस हैं। मेरी मम्मी जो 65 इयर्स की है उनके ऊपर डकैती का आरोप लगा हुआ है, मॉलेस्टेशन का आरोप लगा हुआ है, उसमें सब लेडीज हैं, हम लोगों को उन्होंने डकैत बोला है, हम ही मोलेस्ट किया है, हमने ही मर्डर किया है, हमने ही सब कुछ किया है। और इस घटना को हुए ऑलमोस्ट अब 2 वीक्स हो गए हैं लेकिन हमें अभी तक किसी भी अरेस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है।
हमारे साथ इस वक्त केसी माइकल सर मौजूद हैं, ये यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, इनसे बात करेंगे। सर आपकी जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है उसमें सबसे ज़्यादा ये सबसे ज़्यादा स्टेट चार स्टेट हैं नॉर्थ इंडिया के, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये चार स्टेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा इंसिडेंट हो रहा है। तो ये हम लोगों ने और यूपी में सबसे ज़्यादा 66 इंसिडेंट हुए। केसेस में ये है कि सबसे ज़्यादा जो मॉडल यूज करते हैं 100 या 200 लोग गुट में आते हैं, मॉब वायलेंस जो हम बोलते हैं, मॉब में आते हैं और जो 15-20 लोग घर के अंदर प्रार्थना कर रहे होते हैं, अपने घर के अंदर ही कर रहे होते हैं, तो उन पे अटैक करते हैं, वो बीवी हो, बच्चे हो, लेडीज हो, उनको भी मारपीट करते हैं। फिर वो ये जो 200 लोगों का जो मॉब है ये पुलिस के साथ आता है, पुलिस खड़े होकर देखता है, फिर मास्टर को अरेस्ट करते हैं ये बोल के कि ये लोग कन्वर्ट करते हैं, फिर वो लेके जाके उसको करते हैं, ये FIR बाद में पता चलता है मास्टर के खिलाफ हो जाता है और जिन्होंने वायलेंस किया, जिन्होंने अटैक किया उनको छोड़ दो। लीगल स्टेप तो हम लोग कई बार करते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये है, जैसे अभी रुकी का आपने सुना, तीनों लेडीज ने जब बात किया, 3 अक्टूबर को हुआ है, आज 21 तारीख हो गया, अभी तक FIR नहीं हुआ। वो लोग मतलब इतना साथ में पुलिस का प्रेशर है इनके ऊपर कि केस विड्रॉ कर लो और कॉम्प्रोमाइज करो, ये पैटर्न चल रहा है, तो हम लोग कोर्ट को जरूर जाएंगे। हम मुस्लिम और क्रिश्चियन जैन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, क्रिश्चियन पॉलिटिकल है या सोशल, दोनों ही है। राजनीतिक ये है कि आपको भारत से वैसी पार्टी को सत्ताओं से हटाना पड़ेगा जो दरअसल मुसलमान और ईसाई विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी, तो राजनीतिक तो है। सामाजिक ये है कि सामाजिक तौर पर अभी तक हम लोगों के भीतर जो बहुसंख्यकवादी रुझान है वो बहुत प्रबल है और बहुत सारे पूर्वाग्रह हैं, हम दूसरे धर्मों के लोगों की इज्जत करना नहीं जानते, उनकी उपासना पद्धतियों की इज्जत करना नहीं जानते, तो राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही है। सामाजिक तौर पर हमें सीखना पड़ेगा कि आप कैसे अपने से अलग लोगों के साथ रह पाते हैं और उनको इज्जत दे पाते हैं।